अरे भाई आपको क्या मसला है? हाल बे छोटे, स्कूल जा रहा है। ओह नो। भाई आपको क्या तकलीफ है, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अबे दूं क्या बड़ा आया, जो करने जा कर। मैं अभी अपने भाइयों को बुला कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। हाँ जा। बड़ा आया भाइयों को बुलाने वाला, मैं अभी अपने भाइयों को बुला के आता हूँ, लग जाएगा पता। ओह नो। हमाद भाई, हमारा घोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अरे भाई ये मेरा कमाल नहीं है, इस घोड़े को काम करने का शौक है। जैसे हमारे काशी भाई को पढ़ने का शौक है ना, इसे काम करने का शौक है। जी जी माशाल्लाह। भाई एक लड़के से लड़ाई हो गया, जल्दी चलो। किसके इतने जरा जिसने हमारे भाई से पंगा लिया? उठाओ डंडे और चलो। ओह नो। अबे इसकी ऐसी की तैसी, गया तो गया कहाँ है? लगता है वो भाग गया है। लगता है साला डर गया, अभी तक नहीं आया वापस यहाँ पे। लगता है मेरे डोलू से डर गया है वो। अगर हमारे हाथ चढ़ जाता तो जिंदा ना जाता। लगता है नहीं आएगा, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। भाई मुझे लड़कू ने मारा है। क्या, मेरे काशिप भाई को किसने मारा है? जाओ डंडे उठाओ। रुको भाई रुको, बात सुनो मेरी, सबर करो भाई, ये बच्चों की लड़ाई है, आप जज्बात पे ना कोई गलत कदम ना उठाएं। हमाद भाई उसने काशिप भाई को मारा है। वो तो बच्चों की लड़ाई है ना, अगर हम गए तो बड़ों की लड़ाई हो जाएगी, सबर करो हौसला करो। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। भाई मैं उनके बड़ों के पास जाता हूँ और बात करता हूँ कि हमारे लड़के को क्यों मारा है। हाँ? ओह नो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठे भाई। हमाद भाई कैसे आना हुआ? आपके भाई और हमारे भाई आपस में लड़ गए थे, अगर हमारे भाई की कोई गलती है तो भाई हम माजरत करते हैं। हमने सोचा है भाई कि बच्चों की लड़ाई में बड़ों की लड़ाई ना हो। हमाद भाई आप ठीक कह रहे हैं, आपके भाई ने हमारे भाई को धमकी दिया, हम चुप बैठे रहे। भाई गुस्सा ना करे, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। नदीम चुप करके बैठो, मैं बात कर रहा हूँ ना। जी भाई जान। हमारे भाई तुम्हारी मेहरबानी कि तुम हमारे पास चल के आए हो, हम अपने बच्चे को समझाते हैं, आंदे के लिए ये हरकत नहीं होगी। उठो बेटा, इससे माफी मांगो। आई एम सॉरी हमाद भाई। बेटा जज्बात अच्छी शैनी है, गुस्सा हराम है, आप काफी समझदार हैं, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है।